हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत का ये गुप्त मिसाइल जो आधे घंटे में दुश्मन का सफाया कर देगा, इंडियन मिसाइल सिस्टम। चलो देखें, आधे घंटे में दुश्मन, कौन से दुश्मन? दो मेन दुश्मन है उनका सफाया। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का हर देश छिपा कर रखता है अपनी खास मिलिट्री टेक्नोलॉजी। होता है, बड़े से बड़ा युद्ध भी हो जाए तो भी वह अपने इन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ना तो इस्तेमाल करता है, ना बताता है, दुनिया के सामने लाता है। और ऐसे ही कई मिसाइल, कई गुप्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भारत ने भी दुनिया से छिपा कर रखा तो क्या होंगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई, जब भारत ने इन हथियारों को आपको कैसे पता चला कर रखा है, तो फिर आपको कैसे पता चला? तो आपको बता दें कि हमने ये वीडियो कई दिनों की रिसर्च के बाद बनाया है। हमने ये जानकारी कई मीडिया रिपोर्ट के द्वारा जुटाई है। और तो और, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि DRDO इससे भी कई गुना एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर देश के अलग अलग जगहों पर आज के वक्त काम कर रहा है। और ये भी हो सकता है लेजर, कि उन्होंने कुछ ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर लिया हो जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल सही है। आज भारत के पास ऐसी मिसाइल पावर है जो 30 मिनट के अंदर इस धरती से मानवता के हर सबूत को पूरी तरीके से मिटा सकती है, हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से धरती को मार्स में तब्दील कर सकती है। और हम ये बात बेसलेस, बिना सबूत के नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये भी कोई मूवी है ना? ICBM मिसाइल के बारे में सुना है? ये ऐसी मिसाइल होती हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती हैं, यानी सात समुद्र टप्पू पार। ये ना केवल पारंपरिक हथियार से हमला करती हैं, बल्कि ये परमाणु वॉरहेड भी कैरी कर सकने में सक्षम होती हैं। अगर ऐसे में कभी युद्ध हुआ और भारत ने इन मिसाइलों को निकाल लिया, तो मात्र 30 मिनट के अंदर ही तबाही मच जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के मिसाइल के पास है ऑटोनोमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम, जिसकी वजह से आयरन डोम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है हमारा भारत और कई देश, ऑटोनोमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम एंड डिफेंस अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम। ये सारे मिसाइल हैं जो नई की उसमें से निकलेंगे क्या? इसकी वजह से एकदम खुफिया हो जाते हैं ICBM मिसाइल। आज की तारीख में हम आपको कुछ खतरनाक ICBM मिसाइल के बारे में अवगत करवाने वाले हैं, जो 30 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को खत्म कर देने वाली है। और इनमें से भारत के पास जो कैपेबिलिटी है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता दें कि इस लिस्ट में सिर्फ भारत ही अकेला नहीं है, और भी कुछ देश हैं जो अपने खास मिलिट्री पावर को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। लेकिन भारत जिस स्थान पर है वो आपको हैरान कर देगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 हुआ Long-15 नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास हुआ Long-15 है, यह नया ICBM मिसाइल है। ICBM सीन में नया आया है, लेकिन इसके पास जो रेंज है वो 13,000 किलोमीटर की है, और इसकी जद में अमेरिका भी आ जाता है। दोस्तों, ये इतनी खतरनाक मिसाइल है कि इसका प्रोफाइल एकदम लो है, और इसकी वजह से बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक मिसाइल ये बन जाती है। इससे इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 4 R-362M2, यह रसिया की मिसाइल है। R-362M2 जो है उसे शैतान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एकदम कम क्रॉस सेक्शन के साथ आता है। इसका क्रॉस सेक्शन जो है, रडार का जो क्रॉस सेक्शन होता है, उसको आप सरल भाषा में रडार सिग्नेचर भी कह सकते हैं। ऐसी मिसाइल जिसकी जो मारक क्षमता है, इसका जो छाप है, उसे रडार नहीं पढ़ पाती है। इसके चलते ये रडार की नजरों से बिल्कुल गायब सा हो जाता है। रडार इन्हें बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यह बेहद ही खतरनाक मिसाइल बन जाती है। लेकिन इस मिसाइल का यूक्रेन के ऊपर रसिया ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, नहीं चाहता। शायद रसिया और नाटो का युद्ध हो, तब रसिया इसे भले ही निकाल ले, क्योंकि शायद इसे वह अपने तर्कस से तभी निकालना चाहता है जब किसी देश को पूरी तरीके से उसे खत्म करना हो। आपको बता दें कि अपने साथ 10 MIR भी कैरी कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये MIRV मिसाइल क्या होती है। तो आपको बता दें कि MIRV उसे कहा जाता है जब मिसाइल लॉन्च होती है,
एक मिसाइल, लेकिन जब ये एक मिसाइल टारगेट के नजदीक पहुंचती है तब ये उसके अंदर से कई मिसाइल अलग अलग होकर देश के कई शहर पर यही तो इसी को तो मैं बोल रही थी हमला कर सकने में सक्षम होते हैं। पहुंच के अलग होके फिर अलग अलग प्लेसेस। MG M25C टाइटन अमेरिका, यह अभी सर्विस में नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इसकी जो रेंज थी वो थी 15,000, मतलब उसको कर दिया उससे बेटर कुछ बना दिया। गाइडेंस सिस्टम और मल्टीपल वॉरहेड कैरी करने की क्षमता थी और कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक वेपन सिस्टम था ये। इन केस कभी इस प्रकार का सिचुएशन आया जहां पर फायर पावर का इस्तेमाल वो अपनी सबसे एडवांस मिसाइल को दुनिया को नहीं दिखाएगा, वो पहले इसे छोड़ने की कोशिश करेगा। जरा सोचिए दोस्तों, 15,000 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल को जब अमेरिका रिटायर कर चुका है तो उसके तर्कस में और कौन कौन से मिलिट्री वेपन होंगे अंदाजा लगाना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DF-41 चाइना का DF-41 जिसको डोंगफेंग 41 भी कहते हैं, यह चाइना का मास्टरपीस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का घातक हथियार है। इसके रेंज 12,000 किलोमीटर वॉरहेड कैरी करने की, यह आराम से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेशन कर पास जाता है और खुद ही ब्लास्ट हो जाता है। यह सीधे तबाही मचा सकता है। दुश्मन के टारगेट को देख के घबरा जाता है, वो फट जाता है, जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि 5 और अग्नि 6 इंडिया का होगा दोस्तों, भारत शामिल है जो दुनिया को 30 मिनट में तबाह करने की क्षमता रखता है। दुनिया को अलग बात है कि हमारी रेंज अभी थोड़ी कम है, लेकिन हमारी रेंज इतनी तो है कि हम पर जो भी देश आंख उठाएगा, जो भी हमें टेढ़ी नजर से देखेगा, हम उसे तबाह करने की काबिलियत रखते हैं। भारत के पास मौजूद अग्नि 5 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 9 सक्सेसफुल ट्रायल को पास कर चुकी है और अप्रैल 2012 से 2022 तक कई बार इसे टेस्ट भी किया गया है और 2022 में इसे रात में छोड़ा गया था। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 7,000 किलोमीटर बताई जाती है। ये अपने साथ मल्टीपल वॉरहेड है, यानी ये एक साथ ही दुश्मन के कई जगहों पर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें MIRP टेक्निक है। इसके अंदर भी ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन अभी हमें एडवांस होने की जरूरत है। क्यों? इसके बाद भारत के तर्कस में एक और ICBM मिसाइल है जिसको लेकर अमेरिका तक खुलासा कर चुका है। क्या? अब भारत के पास ये मिसाइल है या नहीं ये भारत सरकार ही जाने, लेकिन अमेरिका ने कई बार ये दावा किया है कि असल में भारत ने गुप्त तरीके से इस मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन इसको तभी निकालेगा जब युद्ध में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाना हो, क्योंकि इस मिसाइल को इस्तेमाल करना मतलब दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म कर देना। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर बताई जाती है। ये भी MIRV मिसाइल है जो एक साथ 6 से 8 जगहों को निशाना बना सकने में सक्षम है। इसके अंदर ऑटोनोमस गाइडेंस मैकेनिज्म भी है जिसके चलते ये अपने रास्ते को बखूबी तय करता है और अपने टारगेट को हिट करके ही मानता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताए गए इन मिसाइल में आपको सबसे घातक और खतरनाक मिसाइल कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भारतीय मिसाइल पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। यार मुझे तो यही वाले अच्छे लगते हैं जो जाते हैं वहां जाके खुलते हैं और उसके अंदर और 5-6 मिसाइल्स होती हैं, वो मिसाइल्स जो हैं कौन कौन से लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करना है वो जाके उन मिसाइल जगहों को कर देंगे। इससे क्या होगा, वो जो कंट्री को अटैक कर रहे हैं हम, वो पूरी तहस हर जगह खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक उसकी सिटी पे नहीं हो रहा, वो पूरी उस पूरी कंट्री को ही तबाह कर सकती है। दैट इज जस्ट अमेजिंग। और हमारा जो इंडिया के दिखाया सबसे नंबर 1 प्लेस में वो भी उसी टाइप का है, और USA का जो दिखा रहे थे जो कह रहे हैं कोल्ड वॉर के टाइम का, वो भी वही टेक्नोलॉजी थी। तो देखिए बहुत अच्छा, इंडिया तो बहुत तेज से आगे जा रहा है। अरे इससे बढ़िया बढ़िया होंगे हमारे पास, किसी को नहीं पता होगा। होप तो यही है कि World War III ना हो। वो तो है भाई, जैसा भी पता चला है कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक्स वगैरह किए हैं उनमें से कई मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया के थे। ओ, अच्छा। नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा है, ईरान सप्लाई कर रहा है, तो रशिया के पास जो माल आ रहा है नॉर्थ कोरिया से, रशिया के पास अपना माल खत्म है क्या? उसने पता है नॉर्थ कोरिया से माल लिया है, ईरान से माल लिया है, और उस माल का यूज कर रहा है वो यूक्रेन में। तो काफी कुछ चल रहा है और नॉर्थ कोरिया भी सप्लाई करने लग गया क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए, तो ये सब पंगे फायदा उठा रहा है। राइट। और उसके बाद आपने देखा ही होगा कि ईरान में जो सुलेमानी जब गया था तो उसके ऊपर जो सुलेमानी के ऊपर जो पंगे पड़े थे उसके एनिवर्सरी पे 90 लोग मर गए, तो काफी कुछ पंगे चल रहे हैं वर्ल्ड में। होप यही है कि बुरा हाल हो रहा है, पहले दुनिया 3 के पास ना पहुंच जाए दुनिया।
तो देखते वही डर लग ही जा रहा है कि जिस तरह से मतलब सिचुएशन जो है ठीक होने की जगह और सब कुछ एस्केलेट हो रहा है, बल्कि और कई कंट्रियों के भी और आ रहे हैं कि भैया कहीं वहां पे ना लड़ाई शुरू हो जाए, वहां पे ना लड़ाई शुरू हो जाए। बहुत कुछ कहा जा रहा है कि रशिया ने यूक्रेन से लोगों का दिमाग हटाने के लिए हमास को पैसा दिए थे ईरान के थ्रू कि तुम जो है अटैक कर दो इज़राइल पे। कई कंस्पिरेसी आ रही है तो क्या तू चाइना का डाइवर्ट करने के लिए वो कर रहा है, अब चाइना कुछ ताइवान को अटैक करने का कहीं और डाइवर्ट करेगा, तो बहुत कुछ मेरे को तो शक है ये चाइना ने करवाया हमास वाला कि ताकि जो हमारा वो बनना था वो चाइना नहीं करवाया ऐसा तो अभी तो यही बात कर रहे हैं। मेरे को तो यही लगता है पता नहीं यूक्रेन की वॉर से चाइना ने कराया या मुस्लिम कंट्रीज में से जैसे ईरान उरून है इन्होंने कराया होगा ताकि रिलेशनशिप्स बेटर ना हो इसराइल के साथ, ये सब उन्होंने मिलके किया होगा। देखो अब कह रहे ना ईरान ने दिया है और किसने दिया, नॉर्थ कोरिया ने दिया, हो सकता है चाइना भी तो दे रहा होगा रशिया को, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं दे रहा, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। अच्छा वही तो, चलो देखते हैं, पर सिचुएशन अच्छी नहीं है और इससे दिखता है कि अपने वेपन्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ताकि दूसरी जो कंट्री है वो डर के बैठी रहे कि भाई इनके पास तो इतना कुछ है ये तो हमारी पूरे देश को तबाह कर देंगे। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।